अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना असलम। आज आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चॉकलेटी बन। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा कि बहुत मजे के बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड कमेंट्स बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैदा ले लिया है 1 कटोरी के करीब, मैदा ले लिया है हमने। ये खमीर ले लिया 1 टीस्पून, ये बेकिंग पाउडर ले लिया 1 टीस्पून, चीनी ले लिए, नमक ले लिया हमने, ये थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ये चोको पाउडर ले लिया जो केक में डलती है, चॉकलेट पाउडर है, अंडा शामिल कर लिया, फिर हम चॉकलेटी बन बना रहे हैं इसी वजह से। ये देखिए हम, ये मैंने दूध ले लिया, हम दूध से भूनते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, देखते जाएंगे हमें कितनी जरूरत है उस हिसाब से ले लेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे हम। देखिए ये मैंने ऑयल लगा दिया इसके ऊपर, अभी हम इसको 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। 1-1.5 घंटे में इसको कवर करके रखती हूँ। देखिए ये इसको 1.5 घंटा हो गया, डो को रखे हैं मैंने, अब इसको कट करके हम बेक, ये मैंने पतीला चढ़ा दिया है बेक होने के लिए, क्योंकि हम पतीले में इसको कर रहे हैं बेक, इसके चार पीस कर रहे हैं। मैंने ये ऑयल लगा लिया, फिर इस कर लिया रखते हैं, अंडे की जाती है ये ऊपर लगा देंगे हम इसे। ये आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा। ये हमने लगा दिए हैं, देखिए मैंने थोड़े से इसमें बादाम और पिस्ते लगा दिए, थोड़े से ऊपर से हम तेल डाल देंगे ताकि गार्निश अच्छी से हो जाए, खूबसूरत लगे थोड़े हमारे। क्या आप लोग इसमें देखेंगे, मैंने रख दिया ये पतीला, मेरे 10 मिनट से मैंने रखा होता ताकि गर्म हो जाए अच्छे से। अब हम इसको कवर कर देंगे, अब मैं इसको इसके ऊपर हम वजन रख देते हैं, वेट रख देते हैं ताकि हमारे अच्छे से ये बेक हो जाए। मैं इसको 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे हम इसको कि हमारे तैयार हुए नहीं हुए। ये माशाल्लाह अच्छे से बेक हो गए हमारे, देखिए आप लोग सूखी आ रही है, ये तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया, आप लोग देखें कितने प्यारे लुक आए, ये देखें अच्छे से मैंने इसको कट कर लिया, ये देखें। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा, ये बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लग गए, अल्लाह हाफिज़।